हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेप्रा रिएक्शन पर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक बेसिकली जनरल मेडिसिन, स्किन पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट्स में यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है और क्लिनिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली बात, लेप्रा रिएक्शन है क्या, यानी कि व्हाट इज़ ए लेप्रा रिएक्शन। तो लेप्रा रिएक्शन एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है जो लेप्रसी में दिखाई देता है। तो लेप्रसी जो बीमारी है, जो बेसिकली स्किन यानी कि जिल्द, सो स्किन या नर्व्स को इन्वॉल्व करती है मेनली, तो वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से जो इन्फेक्शन के जरिए जो ये डिसीज़ होती है, उस डिसीज़ प्रोसेस लेप्रसी में कुछ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं। इस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को लेप्रा रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस क्यों होते हैं, बिकॉज सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स या वेस्कुलाइटिस या टी सेल रिएक्शन की वजह से जो है ये लेप्रा रिएक्शन होते हैं। तो लेप्रा रिएक्शन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, टाइप वन और टाइप टू। ठीक है, और एक तीसरा होता है जो कि लूसियोस फिनोमिना होता है, जो हम किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पहले आते हैं टाइप वन लेप्रा रिएक्शन क्या चीज़ है। तो आपको उससे पहले कुछ बैकग्राउंड बता दूं कि देखिए, लेप्रसी की जो ट्रीटमेंट होती है, जैसे स्किन के लीजन्स होते हैं उसके ट्रीटमेंट बस पॉसीबेसिलरी या मल्टी बेसिलरी। पॉसीबेसिलरी बस 6 महीने तक चलता है, मल्टी बेसिलरी का 1 साल तक चलता है। तो जब पेशेंट आता है, उसके स्किन लीजन्स होते हैं, डॉक्टर जो है उसको ट्रीटमेंट दे देता है। फिर कुछ दिनों के बाद, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद बैक्टीरियल लोड कम हो जाता है। बैक्टीरियल लोड कम हो जाने के बाद इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी अच्छी होती है, बेहतर रहती है। तो उस इम्यून रिस्पॉन्स जो माइकोबैक्टीरियम के अगेंस्ट जो होती है, तो उसमें कुछ रिएक्शंस होने, यानी कि जो ऑलरेडी जो स्किन लीजन्स होते हैं उसके अंदर जो है इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, कुछ इम्यून रिएक्शन होता है। तो उस रिएक्शन को टाइप वन लेप्रा रिएक्शन कहते हैं। सो इट इज़ ए डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एंटीजेंस। ये जो है टाइप फोर्थ डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। सो इसको टाइप वन लेप्रा रिएक्शन कहते हैं। सो ये जब मोस्ट ऑफनली कब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर लेप्रसी हैज बीन स्टार्टेड, यानी कि जब हम लेप्रसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं डायग्नोस होने के बाद, तो उसके बाद जो है ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नजर आता है। सो बाज़ वक़्त ज़रूरी नहीं कि ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद, बट ये जो है ट्रीटमेंट से पहले भी आ सकता है या उसके एंड यानी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद भी ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हमको नज़र आ सकता है। सो ये यूजुअली ये क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि इट रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द स्पेसिफिक सेलुलर इम्यूनिटी, यानी कि होस्ट की जो भी जो पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ हो रही है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है टाइप वन लेप्रा रिएक्शन अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, तो जनरली देखिए टाइप वन लेप्रा रिएक्शन में इस तरह के लीजन्स नज़र आते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी जो लीजन्स थे उसमें इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं, फिर बाद में अल्सरेशंस वगैरह भी हो सकते हैं। तो हु गेट्स टाइप वन लेप्रा रिएक्शन, यानी कि किसको होता है। तो जैसे आपको पता है रिडले जॉबलिंग क्लासिफिकेशन में पाँच क्लासिफिकेशन है के 5 टाइप्स है लेप्रेसी के, तो जिसमें बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी, बॉर्डर लाइन लेप्रेसी और बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस लेप्रेसी, इन 3 वराइटीज़ में आमतौर पर टाइप वन लेप्रा रिएक्शन देखा जाता है। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे, तो उसका देखिए एरिथीमा एंड इंड्यूरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लीजन्स, याद रखिए टाइप टू और टाइप वन में फर्क रखने के लिए, टाइप वन लेप्रा रिएक्शन में क्या है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लीजन्स है यानी जो ऑलरेडी जो स्किन के पैचेस होते हैं वो एरिथीमेटस यानी कि और ज़्यादा रेड या इन्फ्लेम्ड और इंड्यूरेशन यानी कि सख्त नजर आएंगे, और बाज़ वक़्त अल्सरेशन उसके अंदर ही अल्सरेशन ड्यूरिंग द वेरी इंटेंस स्टेज में अल्सर भी हो जाएंगे। और एक एक चीज़ क्या होती है, अपार्ट फ्रॉम ये चीज़ों के अलावा नर्व इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें ये लेप्रा रिएक्शन क्यों मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें नर्व इन्वॉल्व में ज्यादा हो जाता है। तो नर्व जब इन्वॉल्व होता है, बेसिकली क्यूबाइटल नर्व्स, सियाटिक नर्व, एक्सटर्नल पॉपलिटल नर्व, फेशियल एंड सर्वाइकल नर्व। तो जैसे कि अगर फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट हो गया तो फेशियल पाल्सी हो जाएगा। तो ऐसे ही तो मेनली क्या है, ये रिएक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाता है सेल्स में, तो न्यूरॉन्स ये न्यूरोपैथी होने की वजह से नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो ये जो है पेन एंड टेंडरनेस, यानी कि ये जो स्किन लीजन्स के अलावा नर्व में पेन और यानी कि दर्द वगैरह शुरू हो जाएगा, और लॉस ऑफ फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ फंक्शन फॉर मोर देन ए फ्यू डेज, ओके,
कैन कॉज मसल वीकनेस, यानी कि मसल्स की कमजोरी होगी क्योंकि नर्व्स काम करना ये करना बंद कर देंगे और अल्टीमेटली पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये देखिए टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन में जो एग्जिस्टिंग लिजन्स में एरिथीमा एंड इंड्यूरेशन हो जाता है, और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो ये देखिए क्लॉ हैंड यानी कि और फेशियल पाल्सी, सो यानी कि फेशियल नर्व इंजरी होने की वजह से फेशियल पाल्सी है पेशेंट में, देखिए आप फेशियल पाल्सी नज़र आ रही है, और क्लॉ हैंड हो गया है क्योंकि इसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से। सो सिमिलरली इसमें देखिए क्लॉ हैंड विथ अल्सरेशन, अल्सरेशन होके क्लॉ हैंड हो गया है, और लॉस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल आर्क फुट का जो है नर्व इन्वॉल्वमेंट होने से ये लीजन्स होते हैं टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन में। ठीक है, सो इसको डायग्नोस कैसे करते हैं टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन को? सो मेनली हम क्लिनिकली इसको सस्पेक्ट करके सस्पेक्ट कर सकते हैं, बट एक स्किन बायोप्सी से कंफर्मेशन हो सकता है। तो स्किन बायोप्सी में ग्रैनुलोमा और मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स और एडिमा भी नजर आएगा। सो इसको ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट का ड्रग ऑफ चॉइस आर स्टीरॉइड्स। ओके, तो बेसिकली पहले जो है पेन किलर्स यानी कि एंटी एनएसआईडीज वगैरह देंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, बट द ड्रग ऑफ चॉइस और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है प्रेडनिसोलॉन, जो कि 0.5 to 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे दिया जाता है। फिर उसके बाद साइक्लोस्पोरिन इज द सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसका। तो रिफैम्सिन, डैप्सोन और क्लोफोजामिन जो लेप्रेसी में आमतौर पर जो दिया जाता है वो कंटिन्यू करेंगे। तो याद रखिए लेप्रेसी की जो डिसीज़ है वो डिसीज़ के कोर्स में ये लेप्रा रिएक्शन होगा। तो अब तो जनरली लेप्रेसी के लिए ये जो बेसिक ड्रग्स है रिफैम्पसिन, डैप्सोन और क्लोफोजामिन दिया जाता है, तो उसके साथ साथ यानी वो तो उसको डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, वो छः महीने तक चलेगा, कोई 1 ईयर तक रहेगा मल्टीबेसिलरी, तो उसके साथ साथ प्रेडनिसोलॉन यानी कि स्टीरॉइड्स भी स्टार्ट करेंगे फॉर लेप्रा रिएक्शन। फिर Type 2 लेप्रा रिएक्शन, ठीक है, Type 2 लेप्रा रिएक्शन जो है Type 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो याद रख लीजिएगा कि Type 1 और Type 2 में कैसा डिफ्रेंशिएट करें। Type 1 जो है Type 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, और Type 2 Type 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। यानी कि अगर हम दोनों को इकट्ठा कर दें एक रूल ऑफ 5, हाँ, तो UG स्टूडेंट्स आमतौर पे ये रूल ऑफ 5 के जरिए याद रखते हैं कि कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है Type 1 और Type 2। तो अगर हम Type 1 और 2 को मिला दे तो 5 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल Type 1 लेप्रा रिएक्शन में Type 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, और Type 2 लेप्रा रिएक्शन Type 3 है, यानी दोनों को अगर हम इकट्ठा मिला दें तो 5 हो जाएगा। तो रूल ऑफ 5 याद रख लीजिएगा। ठीक है, सो इसमें ये बेसिकली एक्यूट इम्यून कॉम्प्लेक्स वैस्कुलाइटिस अफेक्टिंग द स्किन एंड अदर ऑर्गन्स। तो इसमें जो है Type 2 लेप्रा रिएक्शन में न्यू लिजन्स नजर आएंगे। ठीक है, इसको जो है एरिथीमा नोडुसम लेप्रोसम भी कहते हैं, यानी कि न्यू नोड्यूल्स नजर आएंगे। Type 1 लेप्रा रिएक्शन में हमने देखा था कि जो एग्जिस्टिंग लिजन है उसी में एरिथीमा या इंडोरेशन होता है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जमा होने की वजह से, बट Type 2 लेप्रा रिएक्शन में क्या होगा, नए नोड्यूल्स होंगे और लाल कलर के नए नोड्यूल्स होंगे, ऐसे इस तरह के नए लिजन्स होंगे। इसी तरह इसका नाम रखा गया है एरिथीमा यानी लाल नोड्यूल्स, एरिथीमा नोडुसम लेप्रोसम, ओके, ENL इसका नाम भी रखा गया है। ये देखिए Type 2 लेप्रा रिएक्शन के नोड्यूल्स इस तरह नजर आते हैं। ठीक है, ये पूरे नए लिजन्स होते हैं। तो ये लेप्रा रिएक्शन आमतौर पे किसको होता है? तो ये जो है लेप्रोमेटस लेप्रेसी और बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस लेप्रेसी टाइप्स के पेशेंट्स में ये Type 2 लेप्रा रिएक्शन आमतौर पे होता है। यूजुअली जो है ये एसोसिएटेड होता है प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के वक्त भी। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है? Type 2 लेप्रा रिएक्शन जो है डिपेंड करता है सीवियरिटी पे, और जो है ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। सो बेसिकली लीजन्स जो है स्कैटर्ड होते हैं किसी भी पार्ट पे, मेनली ऑन द एक्सटेंसर एस्पेक्ट ऑफ द लिम्स एंड ऑन द फेस। ओके, सो मल्टीपल स्मॉल रेड पेनफुल नोड्यूल्स नजर आते हैं, छोटे से नोड्यूल्स। तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ Type 2 लेप्रा रिएक्शन। उसके अलावा उसके और दूसरे टिश्यूज में भी इन्वॉल्वमेंट होते हैं, जैसे कि आईज में इरिडोसाइक्लेटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई, ऑर्काइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस, देन रीनल इम्पेयरमेंट और रीनल फेलियर, देन प्रोटीन्यूरिया, देन साइटोलॉजिक कोलेस्टेसिस, ओके, फीवर या फैटिग भी नजर आएगा। यानी Type 2 लेप्रा रिएक्शन में फीवर, फैटिग या सिस्टमिक चीज़ें जैसे एनलार्ज लिम्फ नोड्स या स्वेलन पेनफुल लिम्फ नोड्स नजर आएंगे। ठीक है, तो क्लिनिकली सस्पेक्ट करते हैं और उसको डायग्नोस करने के लिए इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी लैबोरेटरी में डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि एक हाई WBC काउंट या हाई
प्रोटीन सी लेवल यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन्स भी नजर आते हैं, रीनल या लीवर इंपेयरमेंट भी ओकेशनली हो सकता है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगेन इसका ट्रीटमेंट हम जो है सिम्टोमेटिकली पेन किलर्स या कंट्रोल ऑफ फीवर कहेंगे या रेगुलर मॉनिटरिंग, फिर से ड्रग ऑफ चॉइस जो है प्रेडनिसोलोन। रिमेंबर याद रखिएगा कि टाइप 1 और टाइप 2 में द ड्रग ऑफ चॉइस इज स्टीरॉयड, दैट इज प्रेडनिसोलोन एट ए डोज ऑफ 1 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट, और साथ में जो है क्लोफाज़ामीन वगैरह भी जो देते हैं वो भी प्रिवेंट करता है। और एक एक इंपॉर्टेंट ड्रग है थैलिडोमाइड, ये बहुत इसमें डिबेटेबल थिंग्स है क्योंकि इसमें थैलिडोमाइड से टेराटोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं, तो स्पेशली जो है प्रेगनेंसी या यंग लेडीज को ये ना दिया जाए। ठीक है, थैलिडोमाइड, तो थैलिडोमाइड भी कुछ प्रूवन है बहुत से स्टडीज में, बट द ड्रग ऑफ चॉइस जो है प्रेडनिसोलोन है। ठीक है, तो ये था टाइप 1 और टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन के बारे में। और एक जो रेयर फॉर्म होता है लूसियस फिनोमेना, फिर हम किसी और वीडियो में उसके और डिटेल्स बताएंगे। धन्यवाद।